एक तरफ शातिर अपराधी बेखौफ होकर लूट और छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वहीं पुलिस भी इन बदमाशों को पकड़ने में जुट गई है, जिसमें समस्तीपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। समस्तीपुर पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 5 बदमाशों को कल्याणपुर थाना क्षेत्र के लदौरा बांध पर से हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और 20,000 रुपए बरामद किए हैं। इस दौरान सदर डीएसपी प्रीतीश कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह ने अपने टीम के साथ ग्राम लदौरा बांध पर छापेमारी की, जहां से 5 अपराधियों को हिरासत में ले लिया। बीती रात्रि को कुल 5 शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। ये 5 अपराधी कल्याणपुर और चकमसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये पिछले दिनें विगत माह में कल्याणपुर और चकमसी के बॉर्डर क्षेत्र में लूट की घटनाएं हो रही थी। ये लूट ज़्यादातर CSP के एजेंट और स्मॉल फाइनेंस ग्रुप जो होते हैं बैंकिंग संस्था, उन ग्रुप के एजेंट को ये लोग टारगेट कर रहे थे। उसी में से हथियार के साथ बरामदगी हुई है। 2 देसी पिस्टल बरामद हुआ है, पिस्टल ये कट्टा है, और 2 कारतूस है। इसके अलावा लूट में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल है, वो भी बरामद है। लूट के रुपयों में से कुछ रुपयों की बरामदगी हुई है, शेष की बरामदगी बाकी है। इनके द्वारा जो घटना में मोबाइल प्रयुक्त किया जा रहा था, उसकी भी बरामदगी हुई है। पूछताछ में अभी तक कुल 3 घटनाओं का खुलासा अभी तक हो चुका है। शेष इनके मोबाइल जो प्राप्त हुए हैं, उनका भी तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है। कुछ और घटनाओं के खुलासा होने की उम्मीद है। इनकी एक विशिष्ट शैली सामने आई है, जिसमें से 2 लड़के जो हैं अपराधी, वे हर घटना में लाइनिंग का काम करते हैं और शेष 3 अपराधी घटना पर जाकर लूट का काम करते हैं। इनके 2 शेष अपराधी, उनका भी नाम का खुलासा हुआ है, नाम पता सामने आ चुका है, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी। ये पूरा एक गिरोह था 7 लोगों का, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है, कल्याणपुर और चकमैसी और पूसा थाना क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र में ये लगातार सक्रिय थे। इन 5 की गिरफ्तारी के बाद उस क्षेत्र में जो अपराध इस तरह के हो रहे थे, उस पर लगाम लगने की पूरी संभावना है। इन लोगों के आपराधिक इतिहास भी है, उनके बारे में हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और फरार 2 साथियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट।